एक सर्वे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुने गए हैं। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज की विशेष रिपोर्ट। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार सबसे लोकप्रिय सीएम चुने गए हैं। इंडिया टुडे और कार्वी ने मूड ऑफ द नेशन MOTN नाम से सर्वे किया था। इस सर्वे में योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा 24% मत मिले हैं। यह सर्वे ऐसे समय में हुआ है जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानपुर इनकाउंटर और अपहरण की घटनाओं को लेकर आलोचकों के निशाने पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर शिलान्यास के बाद एक टीवी इंटरव्यू में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मस्जिद के शिलान्यास पर मुझे कोई बुलाएगा नहीं और मैं जाऊंगा भी नहीं। इसी बीच एक दिलचस्प खबर आई कि बिहार में कांग्रेस ने डिजिटल कैंपेन शुरू किया। राहुल गांधी की वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के सांसद ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। इंडिया टुडे और कार्वी के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में खास बात यह है कि जो 7 सबसे लोकप्रिय सीएम चुने गए हैं उनमें से 6 सीएम गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जो कि पहले के सर्वे में देश की सबसे लोकप्रिय सीएम चुनी गई थी, वो अब लुढ़ककर चौथे पायदान पर आ गई हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी तीसरे स्थान पर काबिज हैं। इस सर्वे में 5वें स्थान पर अन्य सीएम को रखा गया है। वहीं 6ठे स्थान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम शामिल है। 7वें नंबर पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। वहीं 8वां नंबर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का है। इनके बाद तेलंगाना के सीएम KCR, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कर्नाटक के BS येदियुरप्पा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी सबसे निचले पायदान पर हैं। जनवरी 2020 के सर्वे में भी योगी आदित्यनाथ टॉप पर थे और उन्हें 18% मत मिले थे, जबकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी 11% मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। अगस्त 2019 के सर्वे में भी योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय सीएम चुने गए थे। आपको बता दें कि यह सर्वे विभिन्न लोगों के इंटरव्यू करके पारंपरिक तौर पर किया जाता है, लेकिन इस बार COVID-19 महामारी के चलते इस बार यह सर्वे टेलीफोन पर बात करके किया गया है। सर्वे के दौरान 12,021 लोगों से बात की गई। इनमें से 67% ग्रामीण और 33% शहरी इलाकों के लोग शामिल थे। सर्वे के दौरान 19 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोगों से बात की गई। इसके साथ ही 97 संसदीय क्षेत्र और 194 विधानसभा के लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया।